हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर वीडियो हम साथ में कर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है सात कदम ऑफिशियल ट्रेलर। तो ये कोई मूवी आ रही है नहीं जिसका ट्रेलर आया है और उसकी हम ट्रेलर अब देखने लगे हैं और ट्रेलर देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमें स्टोरी समझ आती है या नहीं आती। नाम बड़ा ना वो स्टोरी वाला लग रहा है जिसके पीछे बड़ी यार इसकी वो फुटबॉल भी था ना तो वो फुटबॉल को लेके है उसके यू नो दैट आई डोंट पोस्टर पे फुटबॉल लगा हुआ था साथ। तो सात कदम क्या होती है? डी होती है सात कदम? सात कदम नहीं बड़ी होती है उससे बड़ी होगी उससे बड़ी सात कदम। तो ये सात गोल तो नहीं होता सात कदम का गोल होता है मेरे ख्याल और हम कोशिश करेंगे इसकी स्टोरी गैस कर सकें जो हम अक्सर कर लेते हैं समटाइम नहीं भी कर पाते मोस्टली कर लेते हैं उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। सो लेट्स सी द वीडियो। ओके जो प्लेयर पूछता है गोल कौन मारा वो बकलोल होता है। अच्छा प्लेयर हमेशा अपना टीम को जिताने के बारे में सोचता है। हम हमारा टाइम का स्टार प्लेयर था। हमारा पैर टूटने के बाद में तो हम चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। टूट गया हमारा सपना है किंतु अभी एक नया सपना देखा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेयर बनाने का। तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो ना? जान से भी ज्यादा। हम उनका हर सपना पूरा करना चाहते हैं। फुटबॉल जिंदगी है तुम्हारा लेकिन इस फुटबॉल ने हमको क्या दिया है? आसनसोल 11 को तुमसे बढ़िया कोच मिल ही नहीं सकता। तुमको हमारा टीम संभालना पड़ेगा। ये बाप बेटा का जोड़ी ना हमारा टीम को बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। नेशनल लीग में खेलना कोई बच्चा लोगों का काम नहीं है। पूरा पूरा कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए। बाबा हम पैसे कमाना चाहते हैं। ये टका पैसे का बात छोड़ खेला पे ध्यान दे। मेहनत करने और सपना टूटता हुआ देखने का आदत तो तुमको पहले से है। हमारा नौकरी लगने वाला है बाबा। हम कोलकाता बगान के लिए फुटबॉल खेलेंगे। तेरा किस्मत है बेटा अपना बाबा को हराने के लिए खेलेगा। आसनसोल 11 नेशनल लीग अवश्य जीतेगा। यस सर। मेरे जेन में तीन चार मूवीज घूमना शुरू हो गई है। एक तो जग दे इंडिया होगी, एक जग दे इंडिया पहला पार्ट, उसके बाद जो मूवी आ रही है ना उसमें कुछ आ जाती है कराटे किड वाली याद है? कराटे किड मूवी एक मैं बताता हूँ, एक चक दे इंडिया कराटे किड। यार मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मूवीज को कॉपी किया गया, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो आइडिया है ना पूरा ये हमें बहुत सारी मूवीज में नजर आता है डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरीकों से। दंगल दंगल एग्जैक्टली मैं नाम दंगल मेरे जहन में घूम रहा था एग्जैक्टली आइडियाज वहां से। हाँ अब लिए हुए मतलब ये वो बहुत सारी मूवीज में हमें डिफरेंट साइड्स नजर आती हैं इस तरह की स्टोरीज की। अब इसमें स्टार्ट करें सबसे पहले चक दे इंडिया वाला के वो कुड नॉट अचीव दैट और चाहता है कि वो एक अचीव हो सके। और दूसरा दंगल वाला सीन था कि मेरा सपना है कि मैं गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए लेके आऊँ, मैं नहीं लेके आया तो मेरे बेटा तो हुआ नहीं बेटी लेके आएगी बेटा। वो सन विल कंप्लीट द ड्रीम ऑफ फादर। इसमें राइवलरी भी है, वो एक टाइम पे अगेंस्ट हो जाती है ना बेटी तो उसमें भी वो वाला एक एंगल भी इसमें आता है, वो वाला एक एंगल भी आता है। वो तो ट्विस्ट तो मतलब होना होता है ना हर मूवी में, इसमें भी ट्विस्ट ही है क्योंकि कभी देखी नहीं हमने। एग्जैक्टली और एक मुझे याद आ रही है मैं हूँ शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी एक मूवी थी उसमें भी कोच का बेटा अगेंस्ट खेल रहा होता है
ठीक है, और दैट वाज अगेंस्ट द मनी सीन वो जिसमें मैं हैप्पी बॉय की मूवी ना हुमायूं सईद का बेटा उसके अगेंस्ट टीम में खेल रहा होता है वो एक सीन तो था। ये जो मेरा एंड रिजल्ट है कि हमें इस एक किक की वजह से पूरी मूवी देखनी पड़ी। हाँ लेकिन अगर हाँ ये तो है अगर ये किक नजर लग जाती समझ आ जाता कि रुक गया या गोल हो गया तो समझ आ जाती एंड पे हुआ क्या, लेकिन लेकिन मुझे एंड पे लगता है कि किक रुक जाएगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। लेकिन सही है। अगर अब हम मूवी पे बात कर लेते हैं तो हमने उसकी मूवी की स्टोरी की आइडिया भी बात कर ली। मूवी में दो तीन चीजें हमें देखने को मिलेंगी, एक तो हमें ये वो है गोल ओरिएंटेड नहीं होती कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको कितनी एफर्ट पुट करनी है, ठीक है, और जो कोचिज होते हैं जो कितनी कितना वो हार्ड टाइम देंगे आपको ताकि आप कुछ अचीव कर पाओ, ठीक है। दूसरा तीसरी बात इसमें वो जो ट्विस्ट आएगा वो बड़ा इमोशनल हो जाएगा, तो एक बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल किस्म का ट्विस्ट आएगा, हाँ बड़ा इमोशनल किस्म का। एक मेन बात ये नेशनल टीम की बात है, नेशनल प्राइड की बात है इसमें, वो नेशनल टीम का कोच है और वो किसी और स्टेट से खेलने के लिए। और अब एक आखिरी बात जो मेरे हाल से जो जो इस मूवी का मेन पर्पस जो मुझे नजर आया वो ये है कि फुटबॉल को प्रमोट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी, क्योंकि जब मूवीज में या कमर्शियल में या जब ये चीजें नजर आती हैं पब्लिक को दिखाई जाती हैं और इनकी थोड़ी अट्रैक्शन क्रिएट होती है और ज्यादा रुझान जाता है फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल में अनफॉर्चुनेटली हमारे इस रीजन में इतना क्रेज नहीं है, बेटर इन फुटबॉल, हाँ, लेकिन ओवरऑल कंपैरेटिवली अगर जैसे क्रिकेट में अगर बात की जाए कंपैरेटिवली क्रिकेट से हाँ कम है लेकिन फुटबॉल का बहुत ज्यादा इंडिया, लेकिन जरूर इन्होंने हर इंडिया ने तो काफी ज्यादा हॉकी पे फुटबॉल पे कबड्डी पे काफी ज्यादा वो लीग्स वगैरह और काफी वो किया गया, तो उसका आउटकम बहुत बड़ी बड़ी लीग है इंडिया में अच्छी होती है। तो इस एक सपोर्ट को मेरे हाल से सपोर्ट करने में और जो इसके प्लेयर हैं उनको इनकरेज करने में भी ये अपना एक रोल इसमें नजर आएगा। सो ये काफी सारे एंगल्स हैं इस मूवी के जो इसमें समझ आते हैं। सुनील छेत्री का नाम है किसका? सुनील छेत्री नो इंडिया का प्लेयर है फुटबॉल का एंड ही इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ओके मैं नहीं आईडिया मुझे मैंने फॉलो नहीं, ये ऐसे बंदे हम बातें करते हैं फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहिए ये फुटबॉल को पता कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा हाँ ना मैंने कब कहा फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहिए हैं नहीं मैंने कहा इस मूवी से इनकरेजमेंट मिलेगी जो खेल रहे हैं उस फील्ड में तो मतलब तू इस तरह तो बेसबॉल को भी सपोर्ट करना तेरे ख्याल में फिर नहीं करना चाहिए नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फॉलो नहीं कर रहा इस चीज को ठीक है मेरी एक्सपर्टीज में ये नहीं आती मुझे नहीं पता फुटबॉल में मेरा तुझे पता होगा तो लोगों को पता चलेगा ना मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल में ऐसे ना क्या लोगों के मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेसी इज नॉट बेटर रोनाल्डो इज बेटर एंड इब्राहिमोविच इज टू गुड ठीक है मुझे तीन चार और के भी नाम आते अब मैंने सुने थे रणवीर था इंग्लैंड का वो छोड़ गया पुराना कैप्टन था तो वो तब वर्ल्ड कप में तो सारे फुटबॉल देखते ना वर्ल्ड कप में देखा था नेमार का भी मुझे पता मुझे बता रोनाल्डो किस कंट्री से खेलता बता ना पुर्तगाल से गुड मैं बचपन में समझता था शायद वो ब्राजील से खेलता तो जब मैंने वर्ल्ड कप देखा तो मुझे अच्छा तो इनके पास सिर्फ रोनाल्डो है और है ही कोई बंदा नहीं। अच्छा चैंपियन कौन है लास्ट वर्ल्ड फुटबॉल की? फ्रांस। फाइनल किसका हुआ था? फ्रांस वर्सेस यार हम दोनों ने इकट्ठे देखा था फ्रांस और इकट्ठे देखा था हमने। हां ठीक है गुड एक था ठीक है बहुत नॉलेज है तेरा बहुत नॉलेज है गुड यार किस दूसरी कौन सी टीम थी फ्रांस से होता रनर अप को इटली नहीं इटली नहीं ओके यार हम यार यार फुटबॉल पे तुझे बड़ा पता है यार वो बंदे की मेमोरी का अलग नहीं है ये मैं एक बात बता दूं जिस बंदे ने फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा था ना फाइनल वो भूल नहीं सकता कि दूसरी टीम कौन सी थी वो शायद विनर भूल जाए सेकंड टीम नहीं भूल सकता ये मैं आपको बता दूं। खैर आप लोग कमेंट करके बताएं और रीजन सब जानते हैं कि क्यों सेकंड टीम नहीं भूली जा सकती फुटबॉल का बड़ा पता है। खैर ये वीडियो और लोगों को कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं और ये वाना बी फुटबॉल फैंस इनको इग्नोर मैं नहीं हूं फुटबॉल फैन ठीक है मुझे नाम क्यों भूल गए बता दे अभी वीडियो खत्म होने से कोई और वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक दे दें और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो दूसरी टीम कौन सी थी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दूसरी टीम कौन सी थी सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर मैं तुक्का नहीं मारना चाह रहा मुझे नहीं पता बाय बाय।